सो टुडे वी विल डू एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो हमारी थोड़ी सी कमांड्स रह गई थी, जैसे कि रेज कीवर्ड कैसे यूज होता है, असर्ट कीवर्ड कैसे यूज होता है, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस क्लास, राइट? सो हमने ये पढ़ा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है. सो वी डिड व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाई यू यूज इट एंड हाउ डू यू यूज इट. तो रन टाइम एरर्स क्या है, उनके साथ कैसे डील करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन दिस चैप्टर टिल नाउ. ठीक है, सो दिस इज योर एनसीईआरटी चैप्टर वन, इसलिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग से शुरू किया है. फाइन, सो एनसीईआरटी में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि एरर्स क्या होते हैं एंड स्पेसिफिकली हम रन टाइम एरर्स के साथ कैसे डील करते हैं. फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम. सो वी डिड कि ट्राई कैसे यूज होता है, एक्सेप्ट कैसे यूज हो सकता है. एक ट्राई के साथ हम मल्टीपल एक्सेप्ट भी दे सकते हैं टू डील विद मल्टीपल एरर्स. खाली एक्सेप्ट का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का एरर जो है वो डील हो जाता है. ठीक है, देन वी हैव अ ब्लॉक कॉल्ड फाइनली और एक ब्लॉक होता है एल्स. ठीक है, अब एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके पास कोई भी एरर नहीं आया. तो हमने लिखा ट्राई, हमने एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्ट के बाद एल्स आता है. और हमने ये देखा था लास्ट टाइम भी कि अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आया तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर एरर आया तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. तो अगर वो एक्सेप्ट में जाता है तो एल्स में नहीं जाएगा. ठीक है, और अगर एक्सेप्ट में नहीं गया, मतलब अगर आपका कोई भी एरर नहीं आया, तो वो जाता है एल्स में और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करता है. वी ऑल्सो हैव अ ब्लॉक जिसे हम फाइनली ब्लॉक कहते हैं. सो फाइनली क्लॉज कह लो या फाइनली ब्लॉक कह लो, नाम से ही पता चल रहा है फाइनली मतलब ये तो फाइनल है, ये तो करना ही है ना. सो चाहे एरर हो चाहे एरर ना हो, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होती ही होती हैं. सो वेदर देर इज एन एरर और देर इज नो एरर, दिस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. सो दिस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एनी हाउ. सो द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज. ऑप्शनल है मतलब कंपल्सरी नहीं होता है फाइनली देना, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप इट. द स्टेटमेंट्स इन साइड द फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन द ट्राई ब्लॉक और नॉट. It is common practice to use finally clause while working with files to ensure that the file object is closed. If used, finally should always be placed at the end of try clause after all except blocks and the else block. तो अगर आपके पास else block भी है, except भी है, तो जब सारे blocks आप दे चुके होंगे तो आखिरी block जो होगा वो finally में हम लिख सकते हैं. So last block has to be finally, जैसे कि इस example में लिखा हुआ है. So last में finally यहाँ पर दे दिया. ठीक है, सो ओवर एंड आउट जो है वो डिस्प्ले होगा ही होगा, चाहे एरर था चाहे एरर नहीं था. सो इन एनी केस फाइनली एग्जीक्यूट होता ही होता है, दैट इज द पर्पस ऑफ फाइनली. नाउ इफ एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड, अब ये क्या कह रहा है, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली क्लॉज. अगर जो फाइनली में कोड लिखा है उसके अंदर एरर आ गया तो क्या करेंगे. सो इफ एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन द ट्राई ब्लॉक एंड द एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन, द एप्रोप्रिएट एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड टू हैंडल द एरर. ठीक है, but if the exception is not handled by any of the except clauses then it is re-raised after the execution of the finally block. For example, program 1.4 contains only the except block for zero division error. If any other type of error for which there is no handler code is there, so finally clause execute hoti hai tab bhi. theek hai, jaise maan lo ki aapke paas ek runtime error aaya jo ki yahan handle hi nahi ho raha. So, यहाँ पर जो एरर आया वो जीरो डिविजन एरर नहीं है, वो कोई और एरर है, तो वो यहाँ पे तो हैंडल ही नहीं होगा. उस केस में भी वो फाइनली को पहले एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाएगा. सो फाइनली तब भी एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे वाला एरर आ जाएगा. तो आप देख रहे हो ओवर एंड आउट प्रिंट हो गया, फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद आपका ट्रेस बैक वाला एरर आ जाता है जो बताता है कि फाइल में किस लाइन पर कहाँ पर क्या एरर है. So after execution of finally block, Python transfers the control to a previously entered try or to the next higher level default exception handler. In such a case, the statements following the finally block is executed. That is, unlike except, execution of the finally clause does not terminate the exception. Rather, the exception continues to be raised after execution of finally. So, इससे क्या होता है? ये क्या कह रहा है कि exception raise होने पे try block की statements terminate होती हैं. लेकिन फाइनली ब्लॉक की स्टेटमेंट्स टर्मिनेट नहीं होती. तो एक्सेप्शन अगर रेज होती भी है तो भी वो फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर से एक्सेप्शन को रेज कर देगा अपने आप.
तो जब भी आपके पास ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा, कंट्रोल गोज फॉर एक्सेप्ट, नहीं मिला तो फाइनली में जाएगा, फाइनली की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद अगर मेरे पास नेस्टिंग ऑफ ट्राई एक्सेप्ट है तो आउटर लेवल ट्राई में जाके देखेगा कि एरर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर वही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और वो एरर मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. So to summarize, we put a piece of code where there are possibilities of error or exceptions to occur inside a try block. Inside each accept clause, we define handler codes to handle the matching exception raised in the try block. The option else clause contains code to be executed if no exception occurs. The option finally block contains code to be executed irrespective of whether an exception occurs or not. तो उसने इस पैराग्राफ पे पूरा का पूरा समराइज किया है कि ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट्स आती हैं जहां पर एरर हो सकता है. एक्सेप्ट एक से ज्यादा भी ब्लॉक हो सकते हैं, वहां पर हम बताते हैं कि किस टाइप का एरर हमें हैंडल करना है. एल्स वो बताता है कि अगर कोई एरर नहीं हुआ तो जो एल्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली वो बताता है कि एग्जीक्यूट करना ही करना है चाहे एरर हो या एरर ना हो. दिस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर श्योर. सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर फाइनली क्लॉज. ठीक है, पर अभी हम नीचे समरी पे नहीं जाएंगे, हमारा ऊपर अभी दो कीवर्ड्स रहते हैं, एक है असर्ट और एक है रेज. तो फर्स्ट वी विल गो एंड चेक दैट आउट एंड देन वी विल गो टू समरी इन द बैक एक्सरसाइज. ठीक है, सो रेज एंड असर्ट आर द टू कीवर्ड्स जो आप नॉर्मल कोडिंग में इतना यूज नहीं करोगे. ट्राई एक्सेप्ट आप फिर भी अपने फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्राम्स में यूज करोगे, एल्स भी आप यूज कर सकते हो. सो असर्ट इज टू चेक वेदर अ फंक्शन इज रिटर्निंग अ प्रॉपर वैल्यू और नॉट. सो वो ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए यूज होता है. तो अगर ट्रू है तो सब सही है, अगर गलत आ रहा है तो इट विल रेज एन एक्सेप्शन. ठीक है, एंड रेज कीवर्ड की हेल्प से हम एक एक्सेप्शन को अपनी मर्जी से कहीं पे भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एरर्स डिफाइंड होते हैं कि अगर डिविजन बाय जीरो होगा तो आपका क्या होगा, जीरो डिविजन एरर रेज होगा. अगर वेरिएबल का नाम सही नहीं है तो नेम एरर जनरेट होगा. अगर वैल्यू सही नहीं आ रही है तो वैल्यू एरर जनरेट होगा. सो दैट इज ऑल प्री डिफाइंड कि अगर ये ऑपरेशन होता है तो ये एरर जनरेट होना चाहिए. बट आप खुद से भी एरर्स को जनरेट करा सकते हो. सो वी कैन जनरेट द एरर्स ऑफ आर ओन. वो हम खुद से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज कीवर्ड. ठीक है, सो मैं आपको एग्जैक्टली बुक में जो एक्सप्लेन है वो बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये तो ऊपर था हमारा बेसिक. यहाँ पे है आपका रेजिंग एक्सेप्शंस. सो इट सेज ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस एन एक्सेप्शन. तो वो जो रेज करता है एक्सेप्शन वो ऑटोमेटिक होती है, अपने आप एक्सेप्शन रेज होती है. एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिजाइंड टू एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज रेज्ड. ठीक है, तो अगर आपके पास जीरो डिविजन है तो आपको क्या करना है, वैल्यू एरर है तो क्या करना है, आप अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हो. एंड दोज आर कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर्स. वो जो एक्सेप्ट के ब्लॉक्स हम बनाते हैं दोज आर एक्सेप्शन हैंडलर्स. नाउ प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शंस इन अ प्रोग्राम यूजिंग द रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट्स. तो अगर मुझे एज अ प्रोग्रामर खुद डिफाइन करना है कि ऐसे सिचुएशन में भी एक एक्सेप्शन रेज होनी चाहिए तो वो सिचुएशन भी मुझे बतानी पड़ेगी, और उस सिचुएशन में कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा. ठीक है, सो एज अ प्रोग्रामर आप फोर्सफुली एक्सेप्शन रेज कर सकते हो. सो फोर्सफुली वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन रेज एक्सेप्शंस यूजिंग रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट्स. सो वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. वो वही नॉर्मल केस की तरह एक्सेप्ट में जाएगा, एक्सेप्ट में जाके देखेगा कि वो एक्सेप्शन कहीं मैच हो रही है या नहीं हो रही है. सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड जंपिंग टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहां पर एक्सेप्शन हैंडलर्स लिखे हुए हैं. अब होता कैसे है, रेज इज अ कीवर्ड, तो स्मॉल लेटर्स में आएगा आपका आर ए आई एस ई, इट इज अ कीवर्ड. सो यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर्स. इट कैन बी यूज लाइक दिस, आप रेज कीवर्ड लिखोगे, फिर जो भी आपके एरर का नाम है वो लिखोगे, और ये जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है ये बेसिकली एरर मैसेज है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो. ठीक है, सो द एरर मैसेज व्हिच यू वांट टू शो दैट यू कैन राइट ओवर हियर. सो एक्सेप्शन का नाम मतलब वैल्यू एरर हो गया, या जो भी और आपको एरर का नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो. सो द आर्ग्यूमेंट इज जनरली अ स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज्ड. फॉर एग्जांपल अगर आप ये नीचे वाला देख रहे हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड, और एक्सेप्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन. सो ये जो है ये आपका ये ऑप्शनल मैसेज है जो हम पास कर सकते हैं. सो द एरर डिटेक्टेड मे बी अ बिल्ट इन एक्सेप्शन और मे बी अ यूजर डिफाइंड वन. कंसीडर द सैंपल गिवन इन फिगर 1.6.
दैट यूजेस द रे स्टेटमेंट टू रेज अ बिल्ट इन एक्सेप्शन कॉल्ड इंडेक्स एरर. तो यहाँ पर वो खुद से एक इंडेक्स एरर जो है रेज करवा रहे हैं. कब करा रहे हैं? सिंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट नंबर्स, तो उसमें वो क्या चेक कर रहा है कि आप जो इंडेक्स यूज कर रहे हो, अगर उस इंडेक्स की वैल्यू लिस्ट की लेंथ से बड़ी है, ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरी लिस्ट में ही चार एलिमेंट्स हैं और मैं इंडेक्स यूज कर रही हूँ 5, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो गलत हो जाएगा, है ना. तो वो यहाँ पर क्या चेक कर रहा है कि एक लिस्ट ले ली नंबर्स, इसमें तो सिर्फ चार एलिमेंट्स ही हैं, लेंथ की वैल्यू उसने ली है 10. अब वो चेक कर रहा है कि इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर्स, तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस लेंथ से ज्यादा है तो रेज इंडेक्स एरर. और ये प्रिंट में क्या लिखा है, नो एग्जीक्यूशन, ये दिखाने के लिए लिखा है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि रेज से वो सीधे जंप करेगा एक्सेप्शन हैंडलर्स के लिए, पर यहाँ पर तो एक्सेप्शन हैंडलर है ही नहीं. सिंस यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर नहीं है, इसलिए हमारा ये रेड रेड एरर आ जाएगा. तो हमने यहाँ से क्या किया, रेज इंडेक्स एरर. तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ शो हो गया इंडेक्स एरर, बट आगे कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि मैंने सिर्फ रेज इंडेक्स एरर लिखा था. लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में कोई मैसेज लिख देती कि एरर जेनरेटेड सिंस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होता, सो एरर जेनरेटेड सिंस इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, तो उस केस में यहाँ पर ये मैसेज भी प्रिंट होता. बट द थिंग इज दिस कि आप ऐसे रेज और फिर एरर का नाम लिखकर विद और विदाउट मैसेज एक एक्सेप्शन को रेज करा सकते हो किसी भी जगह से, ठीक है. यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एक अलग चीज होती है, उसमें एज अ प्रोग्रामर में एक्सेप्शन भी अपनी बना सकते हो, ठीक है. उसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज होता है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, वो आपको नहीं करना है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि रेज कीवर्ड कैसे काम करता है, ठीक है. सो इंडेक्स एरर एक्सेप्शन विल बी रेज द स्टेटमेंट फॉलोइंग द रेज स्टेटमेंट, ये तो मैं आपको समझाई दिया, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड. सो उसके बाद आती है आपके पास असर्ट स्टेटमेंट. नाउ द असर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द पाइथन प्रोग्राम. इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम्स फॉल्स देन द एक्सेप्शन इज रेज, और अगर ट्रू आया तो कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगी. This statement is generally used in the beginning of the function or after a function call to check for the valid input. The syntax is आप लिखोगे assert और फिर अपनी expression. On encountering an assert statement, Python evaluates the expression given immediately after the assert keyword. If this expression is false, an assertion error exception is raised, which can be handled like any other exception. और अगर ट्रू आया तो एक्सेप्शन रेज नहीं होती है. अब एग्जाम्पल से समझ आएगा, देखो आपको ये जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, असर्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है डेफ जिसमें हम नेगेटिव चेक कर रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि नंबर नेगेटिव है या नहीं. सो नंबर मेरे पास आया, अगर तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब इट्स नॉट अ नेगेटिव नंबर, ठीक है. सो इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, बट अगर ये फॉल्स है तो वो नेगेटिव नंबर है. सो ट्रू है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो एक्सेप्शन रेज होगी, और ये जो मैसेज आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑप्शनल है देना, ये मैसेज भी एज एन एरर पास होगा, ओप्स नेगेटिव नंबर्स. सो अगर मैं पॉजिटिव नंबर भेजूंगी तो ये ट्रू आएगा और ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी और नंबर इंटू नंबर प्रिंट हो जाएगा. जैसे अगर मैं 100 पास कर रही हूँ, यहाँ पर 100 जो है वो मेरे पास यहाँ नंबर में रिसीव होगा, 100 greater than equal to 0 true है, तो यहाँ प्रिंट पे आएगा और प्रिंट करेगा 100 into 100, मतलब 10,000 प्रिंट हो जाए, ठीक है. उसके बाद वो इस लाइन पे आएगा नेगेटिव चेक -350. अब -350 greater than equal to 0 is false. False है तो अपने आप एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी और आपके पास प्रिंट हो जाएगा assertion error, oops negative number, like this, ठीक है. सो यू गेट इट लाइक दिस. और फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया इसलिए नन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो कॉल हुआ था ना, इट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, इसलिए नॉन प्रिंट हो गया. बट ये आपके पास मैसेज आ गया और एरर कौन सा आया, असर्शन एरर. अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे एरर ना आए तो हम वहां पर एक्सेप्ट लिख के, एक्सेप्ट असर्शन एरर लिखकर इसको हैंडल भी कर सकते हैं इन आर कोड इफ वी वॉन्ट, राइट. सो असर्ट में एक कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो एरर जनरेट होता है. दैट इज द पर्पस ऑफ असर्ट. तो उसमें रेज कीवर्ड यूज नहीं होता,
ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. ट्रू है, डोंट रेज एन एरर. फॉल्स है, रेज एन एरर. सो दैट्स हाउ असर्ट कीवर्ड इज यूज्ड. सो ये तो था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है. सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर वन, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. मैक्सिमम वेटेज इन योर बोर्ड एग्जाम विल बी 2 मार्क्स. सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकता है, 1-1 मार्क के दो, या फिर 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन. ठीक है. सो अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं समरी. समरी में वही है, सिंटेक्स एरर और पार्सिंग एरर्स आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम. व्हेन सिंटेक्स एरर इज एनकाउंटर्ड, पाइथन डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एरर एंड स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एरर. जब तक सिंटेक्स एरर होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. सो सिंटेक्स एरर रेक्टिफाई करके ही एग्जीक्यूशन होती है. An exception is a Python object that represents an error. Syntax error are also handled as exceptions. The exception needs to be handled by the programmer so that the program does not terminate abruptly. So when an exception occurs during execution of a program and there is a built-in exception defined for that, the error message written in that exception is displayed. So the programmer then has to take appropriate action and handle it. Some of the commonly occurring exceptions are syntax error, value error, input output error, keyboard interrupt, import error, EOF error. ये भी याद रखना नाम, क्योंकि आपको ये भी MCQ आ सकता है, which of the following is not a built-in exception. ठीक है, so you should remember. So ये वही सारे points हैं जो अभी हमने discuss किए हैं. Now let's come to the back exercise. पहली exercise में पहला question क्या है? Every syntax error is an exception, but every exception cannot be a syntax error. Justify the statement. ठीक है, अब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता. सो ये क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आ सकता, बट हाँ ये आपको वाइबा में पूछा जा सकता है. बट एवरी सिंटेक्स एरर इज एन एक्सेप्शन. तो सिंटेक्स एरर तो एक्सेप्शन है, क्योंकि जब तक आपके पास सिंटेक्स एरर है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो योर प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट. वेयर एज एवरी एक्सेप्शन इज नॉट अ सिंटेक्स एरर, क्योंकि एक्सेप्शन कुछ ऐसी भी होती है जिनके होने के बावजूद भी हमारा प्रोग्राम सही चलता है डिपेंडिंग अपॉन द यूजर इनपुट. तो अगर जीरो डिवीजन एरर है, अगर यूजर ने इनपुट सही दिया है, आपके डिनोमिनेटर में जीरो आ ही नहीं रहा, तो रिजल्ट प्रॉपर आएगा. अगर जीरो हुआ तभी तो एरर आएगा ना, हमेशा नहीं आएगा. तो सिंटेक्स एरर तो हमेशा ही आता है, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा नहीं आती, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वैल्यूज. सो सिंटेक्स एरर ऐसी चीज है जो अगर है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता. सो सिंटेक्स एरर तो एक्सेप्शन है, वो तो टर्मिनेट करेगा ही एग्जीक्यूशन को, लेकिन हर एक्सेप्शन सिंटेक्स एरर नहीं होती है. When are the following built-in exception raised? Give examples to support your answer. Import, अगर आप import के साथ कोई मॉड्यूल लिख रहे हो और वो मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो इफ द गिवन मॉड्यूल नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपके पास कौन सा एरर आता है? इम्पोर्ट एरर. ठीक है, इनपुट एरर, इनपुट आउटपुट एरर. जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं, सो व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल एंड द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, या कुछ भी और फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एरर आ जाता है, तो वो आईओ एरर में आ जाता है. नेम एरर, अ वेरिएबल यूज्ड इज नॉट डिफाइंड. आपने एक वेरिएबल को यूज किया पर वो डिफाइंड ही नहीं है, वो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ. उस नाम का वेरिएबल आपने अभी तक क्रिएट किया नहीं है और आप उसको यूज कर रहे हो. सो दैट इज नेम एरर. एग्जाम्पल इज लाइक मैंने लिखा था ए बी सी इज इक्वल टू 20, लेकिन मैंने प्रिंट करा दिया स्मॉल ए बी सी, तो ये कैपिटल ए था, तो ये अलग वेरिएबल है, और जो मैं प्रिंट करा रही हूँ अलग वेरिएबल है, तो यहाँ पे वो नेम एरर दिखा देगा. जीरो डिविजन एरर, इफ यू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, सो जीरो से डिविजन पॉसिबल नहीं है, इट जनरेट्स अ जीरो डिविजन एरर व्हिच इज एन अरिथमेटिक एरर. व्हाट इज द यूज ऑफ रेज स्टेटमेंट? राइट अ कोड टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द कोशेंट. Appropriate exception should be raised if the user enters the second number as zero. तो आपको खुद से raise करनी है. तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि raise statement is used to generate an exception or to raise an exception from a specific point. अब इसके अंदर आपको लिखा accept two numbers. ठीक है, आपने A में number receive करा लिया, B में आपने number receive करा लिया, और अब आप यहाँ पर क्या check कर सकते हो? If B is equal to zero, तो आपको क्या करना है? Raise zero डिविजन एरर. तो वैसे तो अपने आप भी रेज हो ही जाता है, पर आप फिर भी क्या लिख दोगे? इफ बी इज इक्वल टू जीरो, रेज जीरो डिविजन एरर. एंड ऑब्वियसली वी विल पुट इट इन द ट्राई ब्लॉक टू हैंडल इट प्रॉपरली, बट दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द रेज की. यूज असर्ट स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर 3 टू टेस्ट द डिविजन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम. ठीक है, अब अगर आपको
क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना था, मुझे ये देखना था कि जो मेरा बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर बी जीरो हुआ तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो आप उसको असर्ट के साथ कैसे लिखोगे? आप उसे असर्ट के साथ ऐसे लिख सकते हो, असर्ट, असर्ट क्या कहता है, देखो अगर ट्रू है तो आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते रहो, अगर फॉल्स है तो एक्सेप्शन रेज कर दो, है ना? यही मतलब होता है ना? तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी, असर्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, सो असर्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये राउंड ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते थे, असर्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? और इसके साथ अगर मैसेज देना है तो मैं मैसेज लिख सकती हूँ, डिविजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल, समथिंग लाइक दैट। सो अगर तो बी जीरो हुआ तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो विल बी फॉल्स, है ना? फॉल्स होगा तो एरर जनरेट हो जाएगा। अगर सेवन हुआ तो सेवन नॉट इक्वल टू जीरो इज ट्रू, तो असर्ट क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे चलते रहो, लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स है देन स्टॉप। सो इफ इट इज ट्रू इट विल गो ऑन, बट इफ इट इज फॉल्स इट विल स्टॉप, ठीक है? सो दैट्स हाउ योर असर्ट वर्क। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आंसर नंबर फोर में, सो असर्ट कैन बी रिटन लाइक दिस। देन है क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। It's a technique of dealing with the runtime errors where we can write the code and try and accept blocks so that whenever an error occurs, we handle it properly so that the program does not terminate abruptly. Throwing an exception when we want to raise an exception. So when an operation is performed, जहाँ पर error generate होना चाहिए, तो वहाँ पर हम उसको throwing an exception कहते हैं, जो कि try block के अंदर होती है. Catching an exception is done with the except keyword. So except के साथ हम exception को कैच कर सकते हैं, सो वी कैच एन एक्सेप्शन विद दैट एग्जाम्पल देके आप ये तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन कैचिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। देखो इसमें कोई प्रोग्राम तो बोला नहीं है, तो जो मल्टीप्लिकेशन डिविजन वाला प्रोग्राम था वो बेस्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए कि मल्टीपल मतलब एक ट्राई में आप कैसे सारा काम कर सकते हो। तो आप ट्राई के अंदर यहाँ पर ए और बी को रीड कर लो, फिर आप यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई बी ही कर लो चाहे सिर्फ, और फिर यहाँ पर प्रिंट करवा दो क्वेश्चन डेस। इसमें आप दो एरर्स हैंडल कर पाओगे, एक आप इसमें जीरो डिवीजन एरर हैंडल कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा आप इसके अंदर वैल्यू एरर भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर यूजर ने मान लो नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दी तो भी एरर आएगा। सो वी कैन हैंडल दिस, एंड फिर फाइनली में भी आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो या एल्स भी दिखा सकते हो। सो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल लाइक दिस। ये प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट टाइम बना के दिखाया था, सो जस्ट अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी कोड आप दे सकते हो। अगर आपको ये दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ कोड, जिसके आने के चांसेस कम है, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन एनसीईआरटी कभी मतलब सीबीएसई कभी देती नहीं है, ठीक है, ये जरूर पूछ सकते हैं कि असर्ट स्टेटमेंट लिख के दिखाओ। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल, बट नॉट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन की कुछ भी लिख के दिखाओ टू हैंडल एक्सेप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है अगला, इसके बहुत चांसेस होते हैं आने के। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के एज वेल एज सीयूईटी में एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन हैं, जहां पर आपको कोड दे दिया जाता है और उस कोड में कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा कोड नहीं दिया हुआ, आपको कुछ कोड दिया हुआ है एंड यू हैव ब्लैंक्स इन दैट, और आपको वो ब्लैंक्स फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रिंट लर्निंग एक्सेप्शन, ठीक है, दो नंबर इनपुट किए फिर हम डिवाइड कर रहे हैं एंड समथिंग 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 वी आर डूइंग, ठीक है? अब आपको क्या करना है, लिखा भी नहीं उन्होंने कि फिल करो, अच्छा लिखा है एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो नंबर वन इनपुट हो गया, नंबर टू इनपुट हो गया, नम वन डिवाइडेड बाय नम टू है, बोथ द नंबर्स एंटर्ड वर करेक्ट एक्सेप्ट। सो इसका क्या मतलब है, टू एंटर ओनली इंटीजर्स, मैंने अभी बताया आपको, हमने खुद ही यहाँ पे लिखा था। सो टू एंटर ओनली इंटीजर्स के लिए कौन सा एरर होगा, वैल्यू एरर। सो एक्सेप्ट वैल्यू एरर मतलब प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। सो यहाँ पर जीरो डिविजन एरर, एल्स ग्रेट यू आर अ गुड प्रोग्रामर, एंड ये वाला कोड है जो एल्स के बाद है, जो एग्जीक्यूट होना ही होना है, सो इट शुड बी इन फाइनली। सो यही तीन ब्लैंक्स थे हमारे, सो हमने खुद ही यही एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पे, वही एग्जाम्पल इन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया। So, ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है आपका, मतलब ये कहते हैं ना घिसा पिटा एग्जाम्पल जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, सब जगह ये दिया जाता है हर लैंग्वेज में। जावा में सीखोगे तो भी पहला एग्जाम्पल में यही कराऊंगा मैं, क्या कोई भी यही कराएगा। सो दिस इज वेरी
टिपिकल एंड बहुत सीधे सीधे समझ आने वाला एग्जाम्पल है बेसिकली, है ना। सो ये आपके पास इस तरह से फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं। देन यू हैव लर्न्ड हाउ टू यूज मैथ मॉड्यूल इन क्लास 11th। राइट अ कोड वेयर यू यूज द रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ मेथड से SQRT और POW। यूज द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस टू कैच द वैल्यू एरर एक्सेप्शन। सो अगर आप रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देते हो तो इसमें क्या लिख के दिखाओगे आप? आपने लिखा इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, फिर मैं लगा दूंगी ट्राई। इसके अंदर आपने नम यूजर से इनपुट करवा लिया, इंट इनपुट, एंटर अ नंबर। अब इसमें से आपको बोला है या तो पावर या स्क्वायर रूट यूज करके दिखा दो, तो हम स्क्वायर रूट यूज कर लेते हैं। तो मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में न रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेयर यू यूज अ रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो मान लो मैंने नम कॉमा 2 लिख दिया। सो वैसे तो हमें एक भेजना चाहिए ना, स्क्वायर रूट में दो थोड़ी जाते हैं, एक ही जाता है। अब मैंने नम कॉमा 2 लिख दिया तो वो गलत है, तो वो गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम अभी कैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। फिर यहाँ पर आपको एक्सेप्ट में कौन सा एरर हैंडल करने को बोला है? वैल्यू एरर। सो यहाँ पर आप लिख दोगे इनवैलिड वैल्यूज, कुछ भी इस तरह से जो भी मैसेज होगा, ठीक है। सो इनवैलिड वैल्यूज के बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट इनवैलिड वैल्यूज एंड देन इफ यू वांट फाइनली और एल्स टू बी देयर तो वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी बहुत है, ठीक है। सो दैट शोज हाउ कैन यू कॉल SQRT एंड हाउ कैन यू हैंडल वैल्यू एरर। तो अपने आप एरर जनरेट होगा तो इनवैलिड वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली क्लॉज। यूज फाइनली क्लॉज इन द प्रोग्राम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें तो ऑलरेडी फाइनली है ही, वो हमने यूज कर ही लिया, फाइनली यहाँ पर आएगा। सो फाइनली का आप एग्जाम्पल बता सकते हो, हमने इसमें भी फाइनली यूज कर लिया अगर ये 7 की जगह 8 कहना चाह रहे थे तो। तो फाइनली का मतलब है दैट कोड विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड वेदर देयर इज एन एरर और नॉट। सो वो कोड आपका एग्जीक्यूट होना ही चाहिए चाहे हमारे पास कोई एरर हो या ना। सो फाइनली इज दैट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरर। तो इस बार जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो सिर्फ ये आया था इस बार, मतलब 2024 का जो पेपर था उसमें यही क्वेश्चन आया था आपके पास कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स नहीं दी जा सकती। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो आंसर क्या है? इट इज फॉल्स, क्योंकि दी जा सकती है, ठीक है। सो दैट वॉज द ओनली क्वेश्चन वी गॉट, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आउटपुट का क्वेश्चन या कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और वैसे भी अभी 50% आपका बोर्ड में हो गया है कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पहले 30% होता था, 40% होता था, है ना, नाउ इट्स 50%। तो हो सकता है आउटपुट क्वेश्चंस थोड़े और इंक्रीज हो जाए, सो वी माइट गेट लाइक फॉर 2 मार्क्स। सो वी विल गेट टू नो व्हेन वी गेट द सैम्पल पेपर, बट दिस इज व्हाट यू हैव इन द चैप्टर, ठीक है। तो आपको ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, एल्स, असर्ट, रेज, ये सारे कीवर्ड्स का क्या पर्पस होता है, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो यू मस्ट 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 नो दिस प्रॉपरली। सो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके MCQs भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और इसके जो और 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आउटपुट वाले या स्मॉल कोड वाले या फिल इन द ब्लैंक वाले, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू। सो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। मोर ओवर इसका चैप्टर अभी आई डोंट थिंक कि सुमिता अरोड़ा और प्रीति अरोड़ा जो लेटेस्ट है उसमें ये चैप्टर ऐड हुआ है, बट आई स्टिल कंफर्म इफ इट इज देयर तो हम उसकी बैक एक्सरसाइज भी कर लेंगे। नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से पूरे क्वेश्चंस दूंगी, सो जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू। आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो 70 में से 2 मार्क्स हमारे यहाँ फाइनल हो जाने चाहिए जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एंड क्यों हम इसे यूज करते हैं पाइथन में या इवन किसी भी और लैंग्वेज में। सो इट इज यूज टू डील विथ योर रन टाइम एरर्स, मतलब द एरर्स जनरेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट।